सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज खबर की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो कि बल्लभगढ़ से आ रही है। राजीव कॉलोनी के मकान की छत पर चढ़ा सांड, तीन मंजिल इमारत पर छत पर चढ़ा ये सांड और सांड के नीचे उतारने में जुटे पुलिस और निगम की टीम। यहां आपको बता दें कि देर रात सीढ़ियों से तीसरी मंजिल पर ये सांड चढ़ गया। सुबह किराएदारों ने पुलिस और निगम को इसकी सूचना दी और इसके बाद से जो टीम है पुलिस और निगम की जो टीम है वो लगातार प्रयासरत है कि किस तरह से इस सांड को नीचे उतारा जाए। तीसरी मंजिल पर ये सांड चढ़ गया है और सुबह किराएदारों ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस और निगम की टीम को ये सूचना दी। तीन मंजिला इमारत पर इमारत की छत पर चढ़ा सांड और सांड को नीचे उतारने में जुटी पुलिस और निगम की टीम। तीन मंजिल की इमारत की छत पर यह आवारा सांड चढ़ गया और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं छत पर किस तरह से सांड चढ़ गया। और इसके बाद से टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अभी भी जो सांड है उसको नीचे नहीं उतारा गया है। देर रात सीढ़ियों के जरिए ये सांड तीसरी मंजिल पर तो चढ़ गया लेकिन उतर नहीं पाया, जिसके बाद से सुबह जब किराएदारों ने छत पर सांड देखा तो चौंक गए और उसके बाद से पुलिस की टीम को जानकारी दी। जयप्रकाश भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा मैं आपको बता दूं, ये राजीव कॉलोनी का रात का मामला है। तीन मंजिल इमारत पर जो ये सांड है वहां चढ़ गया और जब सुबह किराएदार हैं उन्होंने छत पर चढ़कर देखा तो वहां उन्हें छत पर सांड दिखाई दिया और उसने उसके बाद उन्होंने नगर निगम और पुलिस को सूचना दी और पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सांड को नीचे उतारने की पूरी कोशिश की गई और उसके बाद में सांड को करीब 2 घंटे के बाद उसे नीचे उतारा गया और पुलिस और नगर निगम की टीम ने बड़ी प्रमुखता से वो सांड को नीचे इंतजाम के साथ नीचे उतारा गया। जी जयप्रकाश, क्योंकि जो सांड है वो छत पर चढ़ गया तो यकीनन आसपास जो है कौतूहल का विषय है, किस तरीके की स्थिति यहाँ देखने को मिली? देखिए, सांड है वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों के रस्ते से ऊपर चढ़ा, रात के समय नीचे का गेट जो है वो खुला रह गया, उसके बाद ये ऊपर चढ़ा और उसके बाद जब किराएदारों को पता चला कि ऊपर सांड चढ़ गया तो किराएदारों ने पहले उसे उतारने की कोशिश की, उसे खाना जो है वो देने की कोशिश की, उसके बाद जब उनके कोशिश से बाहर हो गया तो उन्होंने नगर निगम और पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू कर करके सांड को नीचे उतार लिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जयप्रकाश।